ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आज का टॉपिक है कंपनी फॉर्मेशन इन एब्रॉड। आप फॉरेन कंट्री में कैसे आपका कंपनी फॉर्मेशन करोगे उसके बारे में बताऊंगा। और कंट्री का नाम है, देश का नाम है नॉर्वे। नॉर्वे में कैसे कंपनी फॉर्मेशन करोगे उसके बारे में बताऊँगा। सो नॉर्वे जो एक देश है नॉर्दर्न यूरोप में, वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है, फुल्ली नॉर्थ में वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। उसका जो नॉर्वे का जो इमीडिएट नेबरिंग कंट्रीज है ईस्टर्न पार्ट में है स्वीडन है, साउथ में डेनमार्क नेदरलैंड्स जर्मनी उनका जो साउथ में है, और वेस्टर्न में उनका जो नॉर्वेजियन सी है और अटलांटिक ओशन है। तो नॉर्वे एक अच्छा एक रिच कंट्री है, यूरोप में लोकेटेड है। और नॉर्वे में जो उनका ऑयल एंड गैस का वहाँ पर मेन उनका जो कंट्री का देश का जो ऑयल एंड गैस का एक्सप्लोर होता है, और नॉर्वे वर्ल्ड वाइड को एक्सपोर्ट करता है उनका ऑयल एंड गैस। एंड नॉर्वे का पॉपुलेशन है 53 लाख का पॉपुलेशन है, काफ़ी यूरोप का काफ़ी रिच कंट्री है। सो अगर आप नॉर्वे में कंपनी फॉर्मेशन करना चाहते हो, अपना बिजनेस करना चाहते हो, तो उसके बारे में बताऊँगा कितने टाइप का कंपनी फॉर्मेशन होते हैं, उसका मतलब कितने टाइप का कंपनी रजिस्ट्रेशन वहाँ पर होता है, और क्या खर्चा आता है, क्या एक्सपेंसेस आता है, टाइम टेकिंग लगता है, क्या क्या प्रोसीजर है, उसके बारे में बताऊंगा। और नॉर्वे में क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है इन द फ्यूचर। अगर नॉर्वे में आप आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं नॉर्वे, और क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है, इन्वेस्टमेंट क्या आपको करना चाहिए इन नॉर्वे, में आने वाले कुछ वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल हम बता रहे हैं कि नॉर्वे का कंपनी फॉर्मेशन के बारे में, नॉर्वे में कंपनी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो क्या क्या प्रोसीजर है। सो हमने काफ़ी सारे कंट्री का, काफ़ी सारे देश का वीडियोस बना चुके हैं। अगर आप डिफरेंट कंट्री में कैसे आपका खुद का कंपनी रजिस्ट्रेशन करोगे उसके बारे में बता चुके हैं। क्योंकि हम ऐसे ये वीडियोज़ बनाना ज़रूरी था, क्योंकि ये चैनल में हम आपको एक्सपोर्ट के बारे में बताते हैं कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे, और एक्सपोर्टर्स के लिए ये ज़रूरी है डिफरेंट कंट्री में कैसे अपना खुद का बिजनेस सेटअप करोगे, ताकि आप इजीली इंडिया से प्रोडक्ट इंपोर्ट करके आप उस देश में वेयरहाउस में रख कर वहाँ पर लोकल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ द एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए क्या क्या तरीका है। ठीक है, तो उसमें से ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो टाइम है काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो चुका है, मार्केट काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो चुका है। बड़े बड़े जो एक्सपोर्टर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो अलग अलग कंट्री में अपना खुद का कंपनी बनाकर खुद उनका जो प्रोडक्ट इंपोर्ट कर उस कंट्री में वेयरहाउस में रखते हैं और शोरूम बनाते हैं, रिटेल में सेल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और नेबरिंग कंट्री को भी रीएक्सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे अभी दिखा गया है इन यूरोपियन कंट्री एंड इन मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, जैसे कि दुबई में आप देखे होंगे बहुत सारे इंडियन एक्सपोर्टर्स, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स दुबई में खुद का उनका शोरूम है, खुद का रिटेल शॉप है, खुद का वेयरहाउस है दुबई में, वो लोग रिटेल में सेल करते हैं और दुबई का नेबरिंग कंट्रीज और अफ्रीका को भी रीएक्सपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप एक एक्सपोर्टर हो, मैन्युफैक्चरर हो, आपको दूसरे कंट्री में खुद का प्रेजेंस चाहिए एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए। तो आज का टॉपिक है नॉर्वे में आप अगर कंपनी फॉर्मेशन करना चाहते हो, खुद का कंपनी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, और नॉर्वे में इंडिया से प्रोडक्ट इंपोर्ट कर नॉर्वे में रिटेल में सेल करना चाहते हो, नॉर्वे में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो ये आपके लिए ज़रूरी है। नॉर्वे में खुद का कंपनी फॉर्मेशन करना पड़ेगा, आपको खुद का कंपनी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा तो नॉर्वे में कितने टाइप का कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है, कितने टाइप का कंपनी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और कितने टाइप का कंपनी वहां पर होता है, मैं आपको वन बाय वन दिखा रहा हूं, स्क्रीन में देख लीजिए। तो ये फर्स्ट है आपका नॉर्वेजियन सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी, नॉर्वेजियन जनरल पार्टनरशिप कंपनी, लिमिटेड पार्टनरशिप कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी, इसको जो LLC कहते हैं, टैक्स रेसिडेंट LLC, ये प्राइवेट लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी, ये सेम है LLC कंपनी, फ्री जोन LLC, स्टॉक कॉरपोरेशन, यूरोपियन स्टॉक कॉरपोरेशन, ब्रांच ऑफिस, फाउंडेशन। तो स्टॉक कॉरपोरेशन एक है और यूरोपियन स्टॉक कॉरपोरेशन एक है, तो अलग अलग कॉरपोरेशन है। तो टोटल आपने देखे होंगे कितने टाइप का कंपनी, मैं आपको बता दिया। तो आपको मैंने दिखा दिया कितने टाइप का कंपनी आप फॉर्मेशन कर सकते हो इन
नरवे, ठीक है। तो इसमें सोल पार्टनरशिप कंपनी एंड आपका जो ब्रांच ऑफिस, ये दो जो कंपनी है, तो ये सिमिलर प्रोसीजर है। और प्रोप्राइटरशिप कंपनी जैसा है, आपको बता चुका हूँ काफ़ी सारे कंट्री में प्रोप्राइटरशिप कंपनी होता है, और सोल प्रोप्राइटरशिप है और ब्रांच ऑफिस है। तो ये सब दो तीन कंपनी है। अगर भारत में, इंडिया में या कोई भी कंट्री में आपका खुद का बिजनेस चल रहा है, तो इस कंपनी का अगर आप ब्रांच ऑफिस या छोटा सा सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी बनाना चाहते हैं नरवे, छोटा सा प्रेजेंस रखना चाहते हैं नरवे फॉर रिसर्च एंड मार्केटिंग, एंड मार्केटिंग प्योर मार्केटिंग, तो आपका कंपनी का नाम पर, पैरेंट कंपनी का नाम पर उस नरवे में आप ब्रांच ऑफिस बना सकते हो एंड सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी बना सकते हो यानी नरवे। तो उसके लिए आपका जो शेयर कैपिटल रहेगा आपका वन यूरो रहेगा। लेकिन इस टाइप का कंपनी के लिए आप नॉर्वेजियन, नॉर्वे का सिटीजन को एक डायरेक्टर रखना पड़ेगा, कंट्री मैनेजर रखना पड़ेगा, ताकि आप इजीली कंपनी बनाकर आप कंपनी रन कर सके। अगर आप इंडिया में आपका बड़ा कंपनी है, और अगर आप नॉर्वे में आप नॉर्वेजियन डायरेक्टर, नॉर्वेजियन कंट्री मैनेजर रखना नहीं चाहते हो, तो फिर आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद आप नॉर्वे का स्टाफ को रिक्रूट करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी कंपनी, इस टाइप का कंपनी रन नहीं कर पाओगे। तो ये हो गया आपका सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी और आपका ब्रांच ऑफिस। तो नॉर्वेजियन स्टाफ को रिक्रूट करना पड़ेगा एज ए कंट्री मैनेजर, डायरेक्टर, और जो भी है जो आपका कंपनी को देख रेख करेगा और मार्केटिंग देखेगा, और प्योर ए रिसर्च के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, और आपको रिसर्च मार्केटिंग के लिए, और आपको जो लोकल नॉर्वेजियन सिटीजन को आप रिक्रूट करोगे, तो वो जो आपका वर्कर्स है, प्रोफेशनल वर्कर्स रहेंगे, तो आपके लिए मार्केटिंग करेंगे। फिर आप इंडिया टू नॉर्वे मार्केटिंग करने के बाद आपका जो प्रोडक्ट सर्विसेज का मार्केटिंग होगा, तो आप इंडिया से सप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट टू द इम्पोर्टर्स बायर्स। आप डायरेक्ट सेलिंग, बाइंग, मैन्युफैक्चरिंग इस टाइप का कंपनी में इन नॉर्वे नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी, जो LLC कंपनीज, लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी एंड जनरल आपका जो लिमिटेड कंपनी, जो आपको बता दिया, इस टाइप का कंपनी है। एक तो है फास्ट रजिस्ट्रेशन, फास्ट कंपनी रजिस्ट्रेशन कंपनी, और हो गया एक आपका लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी। तो LLC कंपनी जो होता है, टैक्स रेसिडेंट LLC और LLC कंपनी, इसका एक या दो डायरेक्टर, एक या दो शेयर होल्डर कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और इस टाइप का कंपनी का शेयर कैपिटल रहेगा 3,000 यूरो से लेकर 4,000 यूरो। अलग अलग कंपनी का, अलग अलग प्रोडक्ट का एक्टिविटीज़ होता है, इसीलिए 3,000 यूरो से लेकर 4,000 यूरो आपका रहेगा शेयर कैपिटल, आपका मार्केट शेयर कैपिटल रहेगा। ये पैसा आपको कंपनी का बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा, उसके बाद कंपनी इशू होगा, लाइसेंस इशू होगा, और आप नॉर्वे में बिजनेस कर सकते हो। और इधर आप इस टाइप का, जितने टाइप का कंपनी नॉर्वे, स्टॉक एक्सचेंज कंपनी, जो वहाँ का जो स्टॉक एक्सचेंज कंपनी, जॉइंट स्टॉक एक्सचेंज कंपनी, यूरोपियन एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज कंपनी बता दिया, वो कंपनी को छोड़कर LLC कंपनी, फास्ट रेसिडेंट LLC कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी, जितने सारे कंपनी आप नॉर्वे में रजिस्ट्रेशन करोगे, हर कंपनी के लिए आपको फिजिकली ऑफिस रजिस्टर, ऑफिस रेंट में लेना पड़ेगा, या वर्चुअल ऑफिस लेकर भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन वर्चुअल ऑफिस अगर आप लोगे तो आपको नहीं मिलेगा, रेसिडेंसी वीज़ा नहीं मिलेगा। अगर आप रेसिडेंसी वीज़ा लेकर आप वहाँ रहकर बिजनेस करना चाहते हो, तो आपको फिजिकली ऑफिस लेना पड़ेगा। अगर आपको खाली नॉर्वे का कंपनी बनाकर, वहाँ का बैंक अकाउंट खोलकर, आपको एक स्टाफ रिक्रूट कर वहाँ मार्केटिंग या आपको बैंक अकाउंट रन करना चाहते हो, तो फिर आपको वर्चुअल ऑफिस लेना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप खुद वहाँ रहकर बिजनेस करना चाहते हो, तो आपको फिजिकली दुकान, ऑफिस, शोरूम वगैरह रेंट पे लेना पड़ेगा। फिर आपको इजीली रेसिडेंसी वीज़ा मिल जाएगा, और आप लोकल स्टाफ को रिक्रूट करना पड़ेगा। यूरोपियन कंट्री में जितने सारे कंट्री है जहाँ पर आप रेसिडेंसी वीज़ा लेना चाहते हो, तो कंपनी रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा। कंपनी रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट दिखाना पड़ेगा आपको मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड को। प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखाने के बाद जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ जितना इन्वेस्टमेंट है, उतना इन्वेस्टमेंट आपको लाना पड़ेगा, और लोकल स्टाफ को रिक्रूट करना पड़ेगा। फिर आपको इजीली रेसिडेंसी वीज़ा इशू हो सकता है। तो लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी, LLC कंपनी और जनरल पार्टनरशिप कंपनी, जितने सारे कंपनी आप बता दिया, सिमिलर प्रोसीजर है। आपको $3,000 से 3,000 यूरो से लेकर 4,000 यूरो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, और कंपनी फॉर्मेशन के लिए 1 महीना से लेकर 2 महीना लगता है, और फास्ट
सॉल्यूशन जो कंपनी है, फास्ट सॉल्यूशन एलएलसी जो कंपनी है, वो आपको लगेगा 15 दिन में 20 दिन में कंपनी फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। और जॉइंट स्टॉक कंपनी, यूरोपियन जॉइंट स्टॉक कंपनी जो दो कंपनी है, उसके लिए शेयर कैपिटल है 1,12,000 से लेकर 1,25,000 यूरो, ठीक है। 1,12,000 से लेकर 1,25,000 यूरो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, आपका शेयर कैपिटल है, आपका कंपनी का बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा। फिर ये मिनिमम 2 डायरेक्टर से लेकर 5 डायरेक्टर ये कंपनी फॉर्मेशन कर सकते हैं। और इसमें 50% शेयर यूरोपियन रेसिडेंट या नॉर्वे का रेसिडेंट या नॉर्वे का सिटीजन का पास होना चाहिए, 50% फॉरेनर के पास होना चाहिए। और यूरोपियन जॉइंट स्टॉक कंपनी आप नॉर्वे के साथ साथ यूरोपियन जितने सारे 27 कंट्री है वहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, सेल कर सकते हो आपका जो पार्ट, आपका जो शेयर कैपिटल को। और हो गया आपका जो जॉइंट स्टॉक कंपनी, सिर्फ नॉर्वे के अंदर आप कर सकते हो आपका जो शेयर के शेयर को सेल कर सकते हो, आप ट्रेड कर सकते हो स्टॉक एक्सचेंज में। तो दो टाइप का जॉइंट स्टॉक कंपनी हो गया, एक हो गया यूरोपियन जॉइंट स्टॉक कंपनी और एक है जॉइंट स्टॉक कंपनी, दो टाइप का कंपनी बता दिया। उसमें 1,12,000 से लेकर 1,25,000 यूरो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, 2 से लेकर 5 डायरेक्टर कंपनी का शेयर होल्डर रहेंगे या डायरेक्टर रहेंगे, और 50% शेयर रहेगा यूरोपियन रेसिडेंट्स और आपका नॉर्वे का रेसिडेंट्स, ठीक है। तो ये कंपनी रन कर सकते हैं। और फ्री जोन एलएलसी जो हो गया इन नॉर्वे, फ्री जोन एलएलसी में आपका जो सेम 1 या 2 डायरेक्टर कंपनी बना सकते हैं। इसमें 3,000 से लेकर 4,000 यूरो शेयर कैपिटल रहेगा, कंपनी ये फास्ट 15-20 दिन में कंपनी बन जाती है। और आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये कंपनी बनाना पड़ेगा जो नॉर्वे का फ्री जोन एरिया में लोकेटेड है, समुंदर का एरिया में लोकेटेड है, जहाँ पर आप मैन्युफैक्चरिंग करके इजीली लोकली सेल कर सकते हैं प्रोडक्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इसमें जितने सारे कंपनी आप बनाओगे इन नॉर्वे, 25% कॉरपोरेट टैक्स है, 25% कॉरपोरेट टैक्स है, और एलएलसी फ्री जोन एलएलसी का 16% कॉरपोरेट टैक्स है, कम है इसमें, ठीक है। और आपको ईयरली जितना पैसा प्रॉफिट मिलेगा आपको ईयरली, तो आपको उसमें 25% देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा कॉरपोरेट टैक्स ईयरली। और आपका फ्री जोन एरिया में जितने सारे कंपनी आप बनाओगे तो 16% टैक्स देना पड़ेगा। और इसमें जितने सारे कंपनी बना बता दिया, सब कंपनी आप बना सकते हो। और इन एक्चुअल इन्वेस्टमेंट अगर नहीं करोगे आप, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट अगर नहीं लाओगे कंट्री को और लोकल रेसिडेंट को, लोकल सिटीजन को इन नॉर्वे, अगर आप नौकरी नहीं दोगे तो आपको रेसिडेंसी वीज़ा नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप कंपनी फॉर्मेशन करना चाहते हो इन नॉर्वे और वहाँ पर बसना चाहते हो, कंपनी बनाकर वहाँ पर रहकर बिजनेस करना चाहते हो, तो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड में, रजिस्ट्री में सबमिट करना पड़ेगा। और जितना इन्वेस्टमेंट का रिपोर्ट है वो पास होगा, वहाँ से पास होगा कि कंपनी तो फॉर्मेशन हो जाएगा लेकिन बिजनेस स्टार्ट होने के बाद अगर आप रेसिडेंसी वीज़ा लेना चाहते हो और आप वहाँ पर जाके रिलोकेट होना चाहते हो, तो पूरा इन्वेस्टमेंट कंट्री को लाना पड़ेगा और लोकल स्टाफ को रिक्रूट करना पड़ेगा। पूरा ऑपरेशंस स्टार्ट होने के बाद फिर आपको रेसिडेंसी वीज़ा इश्यू होगा। अगर आप लार्ज इन्वेस्टमेंट लाते हो कंट्री को, बड़ा बैंक हो, आपका बड़ा बैंक है, आपका ऑयल एंड गैस कंपनी है, आपका सुपरमार्केट है, होटल्स है, तो बड़ा बिजनेस आपके पास है, आप 5-10-15-20 आदमी को वहाँ का लोकल रेसिडेंट, लोकल सिटीजन को नौकरी में रख रहे हो, तो आपको इमीडिएटली विद इन ए मंथ आपको रेसिडेंसी वीज़ा मिल जाएगी। फिर आप नौकरी आप नॉर्वे में लॉन्ग टर्म के लिए रहकर आप बिजनेस कर सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा, यूरोपियन में, यूरोपियन कंट्री में, यूरोपियन यूनियन में, यू कंट्री जितने सारे होता है, 27 कंट्रीज है, तो वहाँ पर अगर आप कंपनी फॉर्मेशन करना चाहते हो, वहाँ पर बिजनेस करना चाहते हो, वहाँ बसना चाहते हो, वहाँ रिलोकेट होकर बिजनेस करना चाहते हो, तो कंपनी तो फॉर्मेशन हो जाती है लेकिन आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा कंट्री को और लोकल लोगों को नौकरी में रखना पड़ेगा। तो जितने सारे कंपनी बता दिया इसमें जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड यूरोपियन जॉइंट स्टॉक कंपनी दोनों को छोड़कर जितने सारे कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है, तो लॉयर को, लॉ फर्म को आपको 5,000 से लेकर 10,000 यूरो फीस देना पड़ेगा। और जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए 10,000 से लेकर 20,000 यूरो खर्चा करना पड़ेगा। ये जो यूरोपियन लॉ फर्म का फीस है, ठीक है, क्योंकि जो नॉर्वे का लॉयर से आपको आवरली पैसा चार्ज करेंगे, तो इसलिए $5,000 से लेकर 10,000 यूरो में कंपनी फॉर्मेशन कॉस्ट लगेगा, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट फीस।
और आपका जो जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए 10,000 यूरो से 20,000 यूरो लोग चार्ज करेंगे, क्योंकि बड़ा कंपनी है। तो डिटेल्स में आपको बता दिया, अगर नॉर्वे में कंपनी फॉर्मेशन करना है तो गूगल में सर्च करिए नॉर्वेजियन लॉ फर्म्स, नॉर्वेजियन कंपनी फॉर्मेशन लॉयर्स, ढूंढोगे तो गूगल में काफ़ी सारे कंसल्टेंट्स मिलेंगे, लॉयर्स मिलेंगे, उनको कम्युनिकेट करिए, जो प्रोसीजर मैंने बता दिया सेम प्रोसीजर बताएंगे, उनके साथ प्राइस नेगोशिएट करिए, और फिर अगर प्राइस आपको ठीक लगता है फिर आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके कंपनी फॉर्मेशन प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे थ्रू जाना चाहते हैं तो हम आपको मदद करेंगे कैसे आप नॉर्वे में कंपनी फॉर्मेशन करोगे, और हमारा फीस भी सेम रहेगा हमारा जो, क्योंकि हमारा नॉर्वे में हमारा जो एसोसिएट कंसल्टेंट्स एसोसिएट लॉ फर्म से लॉ फर्म्स के साथ टाई अप है, तो हमारे थ्रू में आप जा सकते हैं। तो आप डायरेक्ट लॉ फर्म को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको हेल्प करेंगे नॉर्वे में कंपनी फॉर्मेशन, नॉर्वे में बिजनेस सेटअप, नॉर्वे में फैक्ट्री सेटअप, कुछ भी बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं नॉर्वे तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपको आने वाले काफ़ी वीडियोस इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए ला पाऊँ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ, थैंक यू, जय हिंद।